नमस्कार दोस्तों, आज हम भारत की सबसे खौफनाक जगह के बारे में दिखाते हैं। दीवारें खामोश कहाँ रहती है, कितनी कहानियाँ सुनाती है, सन्नाटे गूंजते हैं, अंधेरे भयभीत कर देते हैं, चिखती चिल्लाती हवेलियाँ, सुन सुनाते रास्ते, सनसन करती खंडर पड़ी इमारतें कितना कुछ बताती है। ये दीवारें ये रास्ते बातें करते है, मुर्दा लोग जो मर कर भी नजर आते है, अंधेरों में या खाली जगहों में। ऐसे ही कुछ जगह भारत में भी है जहाँ जाने कितनी कहानियाँ लिखी गई है और कही गई है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। दोस्तों, ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल टॉप इंटरेस्टिंग फेमस फैक्ट्स को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे मजेदार वीडियो देख सके। नंबर एक पर है भानगढ़ का किला राजस्थान। प्यार से शुरू होती यह कहानी का अंजाम इतना डरा देने वाला होगा, ये कल्पना के पर है। कहा जाता है कि भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती बेहद खूबसूरत थी। एक तांत्रिक को इस महल की रानी रत्नावती से प्रेम हो गया था। तांत्रिक ने किसी तरीके से रानी को अपने वश में करना चाहा, लेकिन रानी रत्नावती को उस तांत्रिक के अपवित्र इरादों की भनक लग गई और रानी ने तांत्रिक को मौत के घाट उतार दिया और तभी से यह जगह श्रापित मानी जाती है। नंबर दो, जीपी ब्लॉक, उत्तर प्रदेश। ये बंगले के बारे में कई बात सामने आई है। ये बंगला भूत प्रेत के किस्से और कहानियों की वजह से बहुत मशहूर है। खंडर हो चुकी इस बिल्डिंग की छत पर कई लोगों को साड़ी पहनी हुई औरत दिखाई दी है। कुछ लोगों का मानना है कि यहाँ बहुत सारी दुष्ट आत्माओं का बसेरा है। कभी कभी आदमियों की आवाज आती है जैसे शराब पी रहे हो। कभी लाल साड़ी में औरत छत के दरवाजे से निकलती है और गायब हो जाती है। कुछ लोगों के मुताबिक यहाँ चार लड़कों को घर के अंदर टेबल पर धीमी मोमबत्ती की रोशनी में बियर पीते हुए देखा जा चुका है। इन अजीबोगरीब घटनाओं के चलते लोगों ने अब इसके अंदर जाना छोड़ दिया है। नंबर तीन, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद। रामोजी फिल्म सिटी भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटीज में से एक है। रामोजी फिल्म सिटी में बहुत से होटल्स है जिनकी रूहानी गतिविधियों के बारे में बहुत सी बातें कही जाती है। ये जगह निजाम सुल्तानों की रणभूमि हुआ करती थी। यहाँ बहुत से सैनिकों की लाशें बिछी हुई है। कई लोग बताते हैं कि शूटिंग के दौरान लाइटमैन कई बार धक्का देकर गिरा दिए गए हैं। बाथरूम का दरवाजा अपने आप खुलता है और बंद हो जाता है। शीशों पर उर्दू लिपि में लिखावट मिलती है। बहुत से लोगों ने शिकायत की है कि एक व्यक्ति जो लाल टेन के साथ बैठा रहता है, जो लोगों को अचानक धक्का दे देता है, जिससे बहुत से लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। नंबर चार, डिसूजा चौल, मुंबई। भारत की अनेक भूतिया जगहों के मामले में मुंबई की कई जगहों को भी शामिल किया जाता है। मुंबई के माहिम में डिसूजा चाल में एक खुफिया कुआ है। कहा जाता है कि चौल के नजदीक कुएं में एक औरत पानी भरते हुए डूब गई थी। तब से कई लोगों का मानना है कि उसकी आत्मा उसी चौल में बसी हुई है और आसपास के लोगों की माने जाए तो कई बार रात में उन्हें कुएं के पास औरत दिखाई देती है। नंबर पाँच, शनिवार वाड़ा, पुणे। मराठा साम्राज्य को बुलंदियों पर ले जाने वाले बाजीराव ने 1746 में एक महल का निर्माण करवाया जो कि शनिवार वाड़ा के नाम से जाना जाता है। शनिवार वाड़ा जो कि बाजीराव और मस्तानी के आत्मीय प्रेम के रूप में जाना जाता है, वहाँ आत्माओं का भी बसेरा है। ये महल में भटकती आत्मा पुकारती है। आसपास रहने वालों की माने जाए तो अमावस्या की रात को काका माला बाजवा की आवाजें सुनाई देती है। इसके पीछे भी एक बड़ी दर्दनाक कहानी है। दोस्तों, हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें जरूर बताइए। दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे हर एक वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। हम नए वीडियो के साथ जल्दी मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।